भारत में दिनों दिन लोकप्रिय हो रही टिकटॉक कंपनी को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। टिकटॉक से सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी टिकटॉक को लेकर परेशानी शुरू हो गई है। अमेरिकी सरकार ने टिकटॉक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। टिकटॉक के मामले में जुड़े दो लोगों का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति बाइंस डॉट के 2 साल पहले $1 अरब में US सोशल मीडिया ऐप म्यूजिकल LY का अधिग्रहण करने के मामले में की गई है। बता दें कि यह जांच अमेरिकी सीनेट में पिछले हफ्ते अल्पसंख्यक नेता चक शुमर और सेनेटर टॉम कॉटन की तरफ से टिकटॉक पर राजनीतिक संवेदनशीलता वाले कंटेंट को देखने और यूजर्स का डाटा स्टोर करने के आरोप लगने के बाद शुरू कराई गई है। यह भी बता दिया जाए कि शुमर और कॉटन ने डायरेक्टर इंटेलिजेंस जोसेफ मैग्यूलर को पत्र लिखकर टिकटॉक को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में टिकटॉक के करीब 2 अरब 65 करोड़ मंथली यूजर्स हैं। जी हां, 2 अरब 65 करोड़ मंथली यूजर्स हैं, जिनमें से 60% 16 से 24 साल के बीच में हैं। कुल मिलाकर भारत में भी टिकटॉक की भूमिका को लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। इसकी वजह से युवाओं में जो क्रेज है, उसके कारण कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।